हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, मैं आपको आज मणिपुरी का बॉयल कांगसोई कहता है वो आपको शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये है इंग्रेडिएंट कांगसोई बनाने का, मींस बॉयल बनाने का। प्याज, मीट, ये सीदल है, ये सीदल को मैंने जलाया हुआ है। मिर्ची, टमाटर, आलू और ये प्याज। रखो पापा, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाता है। अभी डाला है प्याज, उसके बाद ये सीदल, ये मिर्ची, कूदा हुआ अदरक, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा एम ऑयल ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना है। और पानी ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छा से आप बॉईल होने देना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ चिकन, ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऐसे तो ड्राई फिश डालता है लेकिन नहीं होने का कारण मैं थोड़ा सा चिकन डाल रहा हूँ। चिकन डालने से आपका क्या होगा कि थोड़ा सूप, जब सूप खाओगी तब आपको टेस्ट अच्छा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन डाल दिया। अभी इसको अच्छी से बॉईल होने दूंगी। अभी आपका ये सूप हो गया। अभी हम डाल रहे हैं मटर, ये आलू, और थोड़ी सी टमाटर। इसको और अच्छा से बॉईल होने दीजिएगा। अभी इसको मैं रख दूंगी। पर मैं बिठा रहा हूँ टमाटर, उसको मैं चटनी बनाऊँगी। बॉयल का साथ चटनी काफ़ी खाने में मज़ेदार लगता है, इसलिए मैं चटनी बनाऊँगी। यहाँ पर ऐड कर दूँगी धनिया, मेरा बॉयल पक चुका है, अभी इसको मैं बंद कर दूँगी। फ्रेंड्स, कभी दिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चटनी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसको जला दूंगी। इसको जलाएगा, बोलो मामूली।
फ्रेंड्स मेरा बॉईल पक गया। अभी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी नमक, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। इसे खाओ, इसको चटनी बहुत टेस्टी। असे तेरा मेरा वाला अंडा चाहिए जो तेरा मेरा खुद से हुआ, बच्चा बनने वाला था, होगा बच्चा बनने देना ना, बच्चा बनने वाला था चाहिए ना, नहीं बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा बनने वाला था ना। फ्रेंड्स अभी हम लोग को खाना खा के हो गया, बहुत टेस्ट था। फ्रेंड्स मेरा चैनल में आप नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।